गाइस कैसे हैं आप सभी। होपफुली घर बैठे बैठे बोर हो चुके होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक टिप्स भी दूंगा कि ऐसे पिक्चर्स अगर आपके मोबाइल में है, कोई भी पिक्चर्स हो, अगर आप एडिट करना चाहते थे, कहां से शुरू करें ये पता नहीं था, तो डेफिनेटली ये वीडियो फुल देखिए, आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेगा और आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने पिक्चर्स, अलग ही मूड बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है Adobe Lightroom। तो इस फोटो को कैसे मूड चेंज करें, अभी मेरा तो प्रीसेट्स है अवेलेबल, तो प्रीसेट से मैं झट से एक बार टैप करता हूँ तो इंस्टेंटली मूड बदल देगा कोई भी पिक्चर का। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर इमेज। अभी मैंने इसका ट्विक भी नहीं किया, सिर्फ एक टैप से वैसे चेंज हो जाता है। तो ये वाला मूड जो है वो कैसे आप करें खुद, तो देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहला चीज़ है हिस्टोग्राम। तो ये वाला आप जो देख रहे हैं ग्राफ जैसा कलर जो भी दिखाई दे रहा है, हिस्टोग्राम कहते हैं, मतलब कि इस इमेज में कितने कलर्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर, मतलब कि इसमें शेडोज एज वेल एज हाइलाइट्स रहते हैं ना। हाइलाइट्स मतलब जो भी ऐसे वाइट्स, मतलब जो वाइट शेड्स रहता है उसको हाइलाइट्स कह सकते हैं आप इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो वैसे ही जहाँ पर डार्क है वो सारा चीज़ जो है ऑब्वियसली शेडोज पर जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर शेडोज कितना है और हाइलाइट्स कितना है, ये जो भी वाइट कलर्स आप देख रहे हैं, लाइट कलर्स देख रहे हैं, ब्राइट कलर्स देख रहे हैं, ये सब हाइलाइट्स में आता है। वैसे ही उसका अपोजिट डार्क, तो जो भी डार्क शेडेड है वो सारा चीज़ शेडोज में आ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई देगा कि कितना शेडोज है, कितना हाइलाइट्स है इमेज में, और कौन सा कलर डोमिनेंट है। ऐसे आप जज कर सकते हैं अपना पिक्चर कोई भी फोटो देखकर कि ओवर एक्सपोज हुआ है या नहीं, एंड कौन सा कलर इसमें ज़्यादा डोमिनेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं शेडोज पर, यहाँ पर जो ऑरेंज का है, यहाँ पर थोड़ा ऑरेंज ऐसे गया है ना रेड डिश में, तो वैसे वो बता रहा है कि कितना इस कलर डोमिनेंट है यहाँ पर, ऑरेंज या फिर रेड रिलेटेड हो। तो इसको मूड कैसे करें, सबसे पहला बेसिक सेटिंग चेंज करना पड़ता है, एक्सपोजर हो, कॉन्ट्रास्ट हो, या फिर इवन शेडोज हाइलाइट्स एज वेल एज सैचुरेशन। ओके, बेसिकली टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिटरमिन करता है कि ये मूड कैसा आ रहा है पिक्चर पर। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर का सेपरेट सा आइकॉन है Adobe Lightroom पर। तो यहाँ से टेम्परेचर टिंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड अगर करता हूँ तो एकदम कूल बना देता है, राइट साइड करता हूँ तो वार्म बना देता है इमेज को। तो इसके आधार पर, इमेज के आधार पर आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि इस फोटो को क्या करना है आपको, या फिर वार्मिश टोन देना है या फिर कोल्ड लुक बनाना है, ऐसे आप सोचिए एंड उसके ऊपर आप चेंज करना स्टार्ट कर देना है आपको। तो सबसे पहला यहाँ पर आई थिंक थोड़ा मैं वार्म करूँगा इसको, ऑलरेडी थोड़ा कूल लुक है, जस्ट स्लाइटली आपको चेंज करते जाना है, क्योंकि थोड़ा अगर चेंज करेंगे तो भी यहाँ पर लुक में चेंज हो जाएगा मूड। तो टिंट हम थोड़ा मैजेंटा लुक लाने वाले हैं, तो ग्रीनिश नहीं करते हैं, मैजेंटा लुक लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है स्पेशली वो बहुत ही सूटेबल रहेगा अगर आप मैजेंटा लुक लेंगे तो पोर्ट्रेट्स के लिए। वैसे ही वाइब्रेंस थोड़ा ज़्यादा करेंगे, मतलब जो भी कलर्स है उस कलर का थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब वाइब्रेंस ज़्यादा होगा, एंड सैचुरेशन को थोड़ा हम कम करेंगे। ओके, तो एक न्यूट्रलिटी यहाँ पर हम ला रहे हैं वाइट बैलेंस के ज़रिए। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर लाइटिंग है, तो एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज, बेसिक एडजस्टमेंट जो है यहाँ से मिलता है आपको। तो कैसे इस चीज़ को चेंज करें, तो जैसे आप स्लाइडर इसको चेंज करते जाते हैं ना, देखिए यहाँ पर हाईलाइट्स अभी ब्लोन आउट हो चुका है, टू मच बाहर जा चुका है, शेडोज पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पिच डार्क जो है कुछ भी नहीं है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। वैसे आप डिटरमिन करते हैं ना, तो ये चेंज करते वक्त स्लाइडर यहाँ पर दूसरे हाथ से अगर आप पकड़ के रखेंगे तो यहाँ पर जो रेड है वो ओवर ब्लोन आउट है, ओवर एक्सपोज्ड है, तो इस चीज़ को हमें ठीक करना है। तो इसके आधार पर आप स्लाइडर को मूव करते जाइए ऐसा, तो देखते जाइए कि कितना कैसे आपको चाहिए। थोड़ा थोड़ा अगर रेड रहता है तो वहाँ पर आपको छोड़ना है। एंड वैसे ही कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे। वैसे ही हाइलाइट्स, एंड हाइलाइट्स भी देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ तो ब्लोन आउट हाइलाइट्स है, अगर मैं पीछे लेता हूँ स्लाइडर को तो यहाँ पर एक्यूरेट है, फिर भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही है हाईलाइट, लेकिन फिर भी इमेज के रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो चलता है। तो हाइलाइट्स यहाँ पर है एंड एज वेल एज शेडोज। ओके, द नेक्स्ट वन, शेडोज ओपन ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी शेडोज इसमें ज़्यादा है, तो थोड़ा हम पीछे लेंगे। इसको भी आप ऐसे पकड़ के देख सकते हैं कि पिच डार्क कहाँ पर है, कितना शेडोज हमको रिड्यूस और या फिर ज़्यादा करना है। वैसे ही वाइट्स, ऑलरेडी यहाँ पर तो वाइट है ही, तो थोड़ा हम इसको लाइक 7 लेंगे। ओके, तो ये
बिफोर इमेज था एंड हमने यहाँ पर ऐसे चेंज किया हुआ है एंड वैसे ही इवन ब्लैक्स को अगर फुल डार्क ब्लैक डीप ब्लैक्स चाहते हैं तो माइनस में ले सकते हैं, थोड़ा फेडेड लुक देना चाहते हैं तो प्लस में ले सकते हैं एंड फिर से आप ऐसे हाथ को पकड़ के देख सकते हैं कि कहाँ पर पिच डार्क ब्लैक है। ओके सो हमने यहाँ पर -26 पर लिया है, तो ये बिफोर इमेज था, ये आफ्टर इमेज है। ओके थोड़ा वार्म पर हमने लिया है, अभी हमें क्या करना है, ये कलर टोन्स जो है उस चीज़ को चेंज करना है, तभी जाकर आपका एक डिफरेंट अलग ही लुक मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से टेम्परेचर पर जाएंगे एंड यहाँ पर जो मिक्स करके लिखा हुआ है इस पर टैप करना है। जो भी कलर्स है, जो भी मूड आप लाना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल है। ओके तो मैं थोड़ा जूम करके आपको बताऊँगा। ओके तो सबसे पहला रेड है, तो इस फोटो में आपको देखना है कि रेडिश कहाँ कहाँ पर है, तो ये सारा कलर जो है वो शेड्स ऑफ रेड एज वेल एज ऑरेंज में आता है। वैसे ही यहाँ पर जो हेयर का लुक है, कलर है, वो भी वैसा ही रेड एज वेल एज ऑरेंज में आता है। फिलहाल मैं इस हिस्टोग्राम को हटा देता हूँ, तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। ओके तो अभी हम चेंज करते जाएंगे, देखिए लेफ्ट साइड ह्यू लेंगे तो पिंकिश मैजेंटा बनता है, राइट साइड लेके जाएंगे तो ऑरेंज कलर लुक आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे अपना टेस्ट है वैसे चेंज करते जा सकते हैं, मुझे थोड़ा ऑरेंज लुक देना है इस पिक्चर को तो वैसे चेंज करते जा रहा हूं मैं, थोड़ा सैचुरेशन इंक्रीज करूंगा एंड ये जो है डार्क एज वेल एज ब्राइट बनाएगा, तो उस कलर को, पर्टिकुलर कलर को अगेन डिपेंड्स ऑन द इमेज कैसे चाहिए वैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें डोमिनेंट है, ऑलरेडी थोड़ा ऑरेंज ज़्यादा है तो अभी देखते जाइए कैसे चेंज होता है, देखिए कैसे इंस्टेंटली उस कलर को चेंज कर देता है। राइट सो हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे एंड उसके बाद सेलेक्टिव टूल हम ज़रूर इसको यूज़ करेंगे ताकि वो एक अच्छा मूड दिखे एंड थोड़ा ब्राइट करेंगे इस इमेज को। राइट वो पर्टिकुलर ऑरेंज कलर था वो उसको हमने ज़्यादा कर दिया है एंड पीछे जो है ग्रीन डोमिनेंट है। राइट तो ग्रीन में हम जो भी चेंज करते हैं, देखिए अभी ग्रीन में गया है लेकिन उससे पहले थोड़ा येलोइश कलर है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। राइट माइनस में दे लेंगे माइनस में, क्योंकि येलो ऑरेंज एज वेल एज रेड थोड़ा सिमिलर टोनिंग में आता है तो हम ऑरेंज लुक देने वाले हैं तो इसके वजह से मैंने माइनस पर लिया है। अदरवाइज आप ऐसे ग्रीन भी कर सकते हैं, एक डिफरेंट लुक ही है लेकिन एक थोड़ा आपको मूडी फीली लुक लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऑरेंजिश लुक में आता है वो एंड थोड़ा सैचुरेशन एज वेल एज थोड़ा ऐसे डार्क करेंगे एंड वैसे ही ग्रीन स्लाइटली अगर आप डार्क ग्रीन बनाना चाहते हैं यहाँ यहाँ पर तो ऐसे प्लस में ले सकते हैं, वैसे ही थोड़ा सैचुरेशन एंड डार्क एज वेल एज ब्राइट, तो हम इसको ऐसे -1 पर रखते हैं। नेक्स्ट ब्लू, यहाँ पर ये जो कलर है एक्वा कलर, ये एक्चुअली एक्वा कलर चेंज होता है अभी, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइटली चेंज होता जा रहा है, तो हम सैचुरेशन ज़्यादा करेंगे एंड थोड़ा इसको ब्राइट करेंगे। ओके सो द नेक्स्ट कलर ब्लू है, तो ब्लू को हम थोड़ा सैचुरेटेड करेंगे एंड थोड़ा एक्वाइश कलर में जाएंगे एंड थोड़ा इसको ब्राइट करेंगे। नेक्स्ट है पर्पल कलर, तो पर्पल को यहाँ पर ज़्यादा कुछ पर्पल नहीं है एक्चुअली, तो हम इसको थोड़ा हटा ही देंगे एंड थोड़ा ब्राइट करेंगे। वैसे ही यहाँ पर मैजेंटा है, वैसे ही तो मैजेंटा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ मैजेंटा का टेम्परेचर लुक दिया है तो इसको अगर आप सैचुरेशन ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एंड थोड़ा ब्राइट भी कर सकते हैं। ओके तो ये बेसिक हमने यहाँ पर लाया है, तो अभी देखिए बिफोर इमेज ये था एंड दिस इज़ द आफ्टर इमेज। राइट तो अभी क्या करना चाहिए आपको, सेलेक्टिव टूल यूज़ करना है, मतलब कि कहाँ पर कौन सा कलर हमको डोमिनेंट चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। अभी तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटली आउटलुक इसका क्या है, एक थोड़ा वार्मिश ज़्यादा ही हुआ है एंड जो आप वीडियो में देख रहे हो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट यहाँ पर जो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। एनीवेज तो यहाँ पर अभी हम सेलेक्टिव टूल लिए हैं, तो सेलेक्टिव ब्रश में जाकर रेडियल टूल लेंगे, तो यहाँ से हम थोड़ा इसको फेस पर लेंगे, तो फेस पर क्या चेंज करेंगे, एक तो शार्पनेस बनाना है हमको, फेस पर शार्पनेस लाना है एंड यहाँ से थोड़ा क्लैरिटी को कम करेंगे ताकि वो वेरी स्मूथ सॉफ्ट दिखे स्किन एंड थोड़ा डीहेज को ज़्यादा करेंगे ताकि वो डिटेल्स भी उठकर दिखे अच्छी तरह से। वैसे ही यहाँ पर एक्सपोजर में जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा करेंगे एक्सपोजर को ताकि वो उठकर दिखे, वैसे ही कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम करेंगे एक फ्लैटेंड लुक लाने के लिए एंड जो शेडोज़ है उसको हम कम करते हैं, वाइट को ज़्यादा करते हैं, वैसे ही ब्लैक को थोड़ा कम करते हैं एंड ये टेम्परेचर जो है देखिए यहाँ से कैसे मूड को चेंज होता है फेस का लुक, तो हम वार्म बना रहे तो इसको थोड़ा और वार्म करेंगे एंड टिंट जो है थोड़ा मैजेंटा लुक लाएंगे, सैचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे एंड ये जो कलर है कौन सा कलर आपको चाहिए वैसे चेंज होता है, देखिए जहाँ पर मैंने रेडियल टूल यूज़ किया है तो कैसे चेंज होता है। राइट सो अकॉर्डिंग टू इमेज जैसे आपने को लुक चाहिए वैसे
आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने H12 एज वेल एज S14 थोड़ा पेल लुक दिया है एंड या दैट्स इट ऑन द फेस। एंड फिर से अगर हम लेंगे यहाँ पर ब्रश, तो ब्रश से मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रश करूँगा ऐसा एंड एज वेल एज ऑन द हेयर साइड यहाँ पर। ओके सो इस चीज़ को क्या करना है, अभी फिर से हम टेम्परेचर पर जाएंगे एंड इसको थोड़ा वार्म बनाएंगे ऐसा। वैसे ही कलर को थोड़ा ऑरेंज लेंगे, स्लाइटली रिड्यूस करेंगे इसको एंड वैसे ही थोड़ा डी हेज एज वेल एज क्लैरिटी को कम करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट हम यहाँ पर ये ड्रेस जो है इसका हम चेंज करेंगे फिर से प्लस और ब्रश। तो जहाँ पर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ कलर्स चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पर आप ब्रश ऐसे यूज़ कर सकते हैं। राइट, टू मच भी नहीं लेना है। ओके तो इस पार्ट को चेंज करना है, फिर से हम टेम्परेचर पर जाते हैं एंड जस्ट लुक एट दिस वन गाइस, ऑसम। राइट, यहाँ पर हम लेंगे फिर से ब्रश एंड ये ऑरेंज पर हम ब्रश स्ट्रोक्स लगाएंगे ऐसा। फिर इरेजर लेके अगर कहीं बाहर जाता है ब्रश तो अनवांटेड एरियाज़ में ऐसे पेंट कर सकते हैं। एंड फिर से हम टेम्परेचर पर लेंगे एंड जस्ट लुक एट हाउ द कलर इज़ गोइंग टू चेंज। उसके बाद टिक पर टैप करना है एंड ये रहा फाइनल इमेज। ऑब्वियसली थोड़ा कैमरा में आप वीडियो जो देख रहे हैं थोड़ा टू मच लगेगा, बट मोबाइल में ठीक ठाक है, इसलिए मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा कि कैसे आया है फाइनल इमेज, आप देख सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज द बिफोर इमेज एंड दिस इज़ द आफ्टर इमेज। बिल्कुल हमने इसका लुक ही बदल दिया है। अगर आप इस ग्रास को सिर्फ चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर से हम यहाँ पर टेम्परेचर पर जा सकते हैं एंड टेम्परेचर में जो है मिक्स, एंड मिक्स में यहाँ हमने जो येलो को चेंज किया हुआ है तो इसको अगर आप ग्रीन कर देंगे तो बूम देयर यू गो। अगर ये वाला लुक आप चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लुक को भी अप्लाई कर सकते हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट इमेज। तो एक ऐसे आप मूड को चेंज कर सकते हैं अपने इमेज में भी। चलिए अभी आप अपना इमेज ओपन कीजिए और एडिट कीजिए अपने फ़ोटो को। अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे शेयर कीजिए। अगर मुझे अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। गाइस, अगर आपको ऐसे ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी एडिट करके सीखे कि कैसे बेसिक ट्यूटोरियल एडिट कर सकते हैं आप अपने इमेजेस को। ओके गाइस, स्टे सेफ, स्टे एट होम। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।